हेलो एवरीवन, मैं हूं सुशील एंड सभी स्टूडेंट्स का मैं हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने गामा फंक्शन के बारे में कुछ लर्न किया था। उस वीडियो में हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन लर्न की थी, उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इस वीडियो में हम गामा फंक्शन के ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए, जिससे आपको गामा फंक्शन के बारे में आइडिया क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, अब जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपके सामने, तो आपके साथ एक पेन एंड एक नोटबुक चाहिए, जिससे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा वैसे आपने वो नोट करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स ये देख के समझने वाली या रीड करके समझने वाली चीज़ नहीं है। तो लिख के समझ के आपको लिखना है, उससे मैथ्स समझा जाता है। और एक बात, यदि आपको लास्ट वीडियो नहीं भी देखना है तो भी ये वीडियो आपको समझ में आ सकता है या प्रॉब्लम्स भी आपको समझ में आ सकते हैं, बस आपने थोड़ा फोकस देना चाहिए अच्छे से। जो जो मैं बोलूंगा वो आपके दिमाग में पूरा की पूरा जाना चाहिए। तो अभी ज्यादा बात करने से अच्छा है सीधा हम प्रॉब्लम सॉल्व करने को लगते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था, गामा ऑफ एन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफिनिटी लिमिट्स है ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स वेयर एन ग्रेटर देन जीरो। ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो e टू द पावर माइनस एक्स उसके साथ x टू द पावर n माइनस वन। यदि n माइनस वन है तो हम गामा ऑफ n लिखते हैं। यदि n माइनस वन की जगह n प्लस वन होता तो ये ऐसे दिखेगा, जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स x टू द पावर n dx। अब ये हमेशा x में होगा क्या? ऐसी भी बात नहीं है। गामा ऑफ एन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन माइनस वन डी टी। अब गामा ऑफ एन जो एक्स में है एंड जो टी में है दोनों सेम ही है। एक्स बस एक वेरिएबल है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। आप एक्स की जगह टी यूज कर सकते हो, वाई यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। तो यदि प्रॉब्लम आता है उसमें टी हम यूज कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये सोच नहीं आनी चाहिए, सर आपने तो डेफिनेशन एक्स में बताई थी या आप टी यूज कर रहे हो। तो देखो, टी हो एक्स हो वाई हो, सारे एक रिप्रेजेंटेटिव है। वो एक वेरिएबल को आप एक्स की जगह टी लिख सकते हो, टी की जगह वाई लिख सकते हो, लेकिन पूरे इसमें टी चाहिए या पूरे इसमें एक्स चाहिए, इस हिसाब से। जैसे जैसे प्रॉब्लम आपके वीडियो आगे जाएगा आपके दिमाग में आइडिया क्लियर होती जाएगी। और कुछ प्रॉपर्टीज मैं रिवाइज करना चाहूंगा। प्रॉपर्टी एक हमने देखी थी, देखो गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गामा ऑफ एन इन जनरल, इन ए जनरल एंड इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके साथ और एक देखा था, गामा ऑफ वन बाई टू इज रूट पाई। इसका बहुत बार यूज होता है। गामा ऑफ वन बाई टू की वैल्यू जो आती है वो रूट पाई आती है एंड वो बहुत बार यूज की जाती है, तो उसको ना अच्छे से याद रखना है। एंड ये जो पहले वाला मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? देखो, यदि एन पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर इसका मतलब वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, आगे वाले सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर ही है। यदि ऐसा है एंड उसका गामा पूछा, एग्जाम्पल गामा ऑफ टेन, तो आर्ग्यूमेंट वैल्यू एन प्लस वन, देखो टेन यानी क्या, नाइन प्लस वन, तो ये आएगा नाइन फैक्टोरियल सीधा। गामा गामा ऑफ एन प्लस वन, गामा ऑफ टेन आएगा नाइन फैक्टोरियल, गामा ऑफ इलेवन आएगा टेन फैक्टोरियल, गामा ऑफ सेवन आएगा सिक्स फैक्टोरियल, गामा ऑफ फोर आएगा थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये बहुत सिंपल चीज है। ये तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए हो गया, लेकिन हमें प्रॉब्लम में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का ही गामा फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम में ऐसा भी आता है, देखो फाइंड गामा ऑफ थ्री बाई टू। अब थ्री बाई टू पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, एन प्लस वन के फॉर्म में। तो एन प्लस वन यानी थ्री बाई टू यानी क्या, प्लस वन। तो थ्री बाई टू को मैं लिख सकता हूं वन बाई टू प्लस वन, दिस इज सिंपल अलजेब्रा। अब यहां एन की वैल्यू वन बाई टू है तो मैं इसको ही लिख सकता हूं वन बाई टू गामा ऑफ वन बाई टू, इस लॉजिक से एन गामा ऑफ एन लिखते हैं। तो एन की वैल्यू वन बाई टू, तो वन बाई टू इंटू गामा ऑफ वन बाई टू, गामा ऑफ वन बाई टू होता है रूट पाई।
और एक एग्जांपल लेते हैं, गामा 5/2, अगेन ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसको मैं लिखूंगा 3/2 + 1 एंड इसका गामा, इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 गामा ऑफ 3/2। अब गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू अगेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर हमने ये कैलकुलेट की तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ 3/2 × 1/2 × √π, तो ये आएगा 3/4 √π। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट गामा ऑफ 5/2, सिंपल डेफिनेशन से हम निकाल रहे हैं। और एक बात जो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अभी ये प्रॉपर्टी नहीं है बट डेफिनेशन, जैसे हमें पता है गामा ऑफ एन इज नथिंग बट 0 to ∞ e^(-x)(x^n-1 dx। प्रॉब्लम जो फॉर्म होगा तो प्रॉब्लम में आपको ऐसे दिखेगा 0 to ∞ e^(-x)(x^5 dx)। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है, यहाँ एन इज नथिंग बट 6 - 1, यानी एन माइनस वन की जगह हम लिख सकते हैं 6 - 1, यानी एन की वैल्यू यहाँ 6 है, यानी दिस कैन बी रिटन एज 0 to ∞ e^(-x)(x^6 - 1 dx, यानी एन माइनस वन के फॉर्म में हमने इसको लिखा, तो यहाँ एन की वैल्यू बनती है 6, तो इसका आंसर आएगा गामा ऑफ 6, गामा ऑफ 6 एंड अगेन 5 factorial। तो दिस इज सिंपल वे। अगेन और एक एग्जाम्पल लेता हूं, 0 to ∞ e^(-x)(x^7 dx, अगेन इसको लिखा जाएगा 0 to ∞ e^(-x)(x^8 - 1 dx, क्योंकि इस फॉर्म में लिखना है हमें n माइनस वन, तो दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ 8 एंड गामा ऑफ 8 इज 7 factorial। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी कंसेप्ट है जिनको हमें यूज करना पड़ेगा। अगेन ये जो n माइनस वन के फॉर्म में नहीं लिखा, सीधा गामा ऑफ n प्लस वन आंसर निकाल आपने यहाँ इस जैसे तो भी चलता है, लेकिन हम किसी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन को टारगेट करेंगे, जैसे इसको याद रखेंगे और उसको ही अप्लाई करेंगे, तो कन्फ्यूजन कम से कम होगा हमारा। ठीक है, अब इतने बेसिक्स कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं एंड आई थिंक सो इतने सारे कंसेप्ट है वो सफिशियंट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम्स चालू करते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, समझना पड़ेगा, बस कंसेप्ट को समझना है, लॉजिक को समझना है, देन प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, यानी सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम लॉजिक पे रहते हैं, लॉजिक इज सेम, बस कैलकुलेशन आपको करने पड़ेगी। तो एक एग्जांपल लेता हूं, इवेल्युएट 0 to ∞ √y (e^(-√y)/dy, ये एग्जांपल है। अब ये गामा फंक्शन का प्रॉब्लम है, अब इसको यदि हमें सॉल्व करना है तो पहले हमारे दिमाग में गामा फंक्शन की डेफिनेशन एकदम फिट चाहिए। देखो हमें पता है ना गामा ऑफ एन इज नथिंग बट 0 to ∞ e^(-t)(t^n-1 dt, या आप बोल सकते हो 0 to ∞ e^(-x)(x^n-1 dx, टी में भी लिखा है एक्स में भी लिखा है। अब ये जो दिख रहा है वो तो इस फॉर्म में नहीं दिख रहा, इस फॉर्म में यानी कौन से फॉर्म में, देखो थोड़ा ना आपके दिमाग में एकदम क्लियर चाहिए। जब हमें गामा फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जो प्रॉब्लम है उसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ऐसे यानी e^(-t) में, वहां टी की जो पावर है ये 1 ही चाहिए, यहाँ वाई है लेकिन वाई की पावर 1/2 है, √y है, तो उसको हमें e^(-t) दिखने जैसा करना है, और t^n या x^n-1 या t^n-1 के फॉर्म में दिखने के लिए ज्यादा एफर्ट करने नहीं पड़ते, नहीं भी यदि वो टर्म आती है तो हम x^(1 - 1) भी लिख सकते हैं उधर, क्योंकि टर्म ही नहीं आती है ऐसी, x^ की कोई टर्म नहीं आ रही, इसको x^(1 - 1) भी लिख सकते हैं। तो ये जो है e^ जो कुछ भी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो कुछ भी है यदि इस फॉर्म में नहीं तो उसको सब्सटीट्यूट करना है और e^(-t) के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये सिंपल लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। तो चालू करते हैं सीधा, पुट करने का √y = t में करो, x में करो, जो आपको अच्छा लगे, जो आप कंफर्टेबल हो जिस इसमें वो आप करो। अब √y की यदि वैल्यू आप पुट कर रहे हो, यानी y को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो t में, पूरा इंटीग्रल को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अभी t में। अब y की वैल्यू पुट करने से फायदा नहीं है, बस dy की वैल्यू भी पुट करनी होगी,
और ये जो लिमिट्स है 0 to infinity, ये लिमिट्स है वाई के। अब वो लिमिट्स भी हमें टी के लिए बनाने पड़ेंगे। जैसे रूट वाई यदि मैंने टी डाला तो इसकी मतलब इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू टी स्क्वेयर एंड डी वाई, दोनों साइड का डेरिवेटिव लिया तो आएगा टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t एंड टी का डिफरेंशियल dt। तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t dt। ठीक है, तो ये सिंपल है, 2t dt है, डी वाई इधर वापस लिखता हूँ, डी वाई इज इक्वल टू 2t dt। अब लिमिट्स भी बदलने पड़ेंगे, लिमिट्स जो थे वो लिमिट्स है वाई के लिए, अब चाहिए टी के लिए, तो कैसे करने का, लोअर लिमिट इधर वाई में पुट करो, इधर करो या इधर करो, पुट किया तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही, तो 0 ही आएगा, इन्फिनिटी पुट किया वाई की जगह तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी होता है। तो लिमिट्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो इंटीग्रल था हमारा 0 to infinity रूट वाई ई टू द पावर माइनस रूट वाई डी वाई, इसको हम अब लिख सकते हैं 0 to infinity रूट वाई की वैल्यू टी ई टू द पावर अगेन रूट वाई की वैल्यू टी डी वाई की वैल्यू 2t dt। अब ये टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, टी इंटू टी होगा टी स्क्वेर ई टू द पावर माइनस टी डी टी। देखो e to the power minus t आ जाती थी, ए टी एंड ए टी दोनों की मल्टीप्लीकेशन, टी स्क्वेयर 2 बाहर आ गया। अब इसको यदि कंपेयर किया आपने गामा की डेफिनेशन से, क्या हमारे गामा की डेफिनेशन 0 to infinity e टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन माइनस 1 डी टी, यानी ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 minus 1। इसका ही मतलब ये क्या है, गामा ऑफ 3 है, तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ 3 into γ of 3। तो गामा ऑफ 3 कितना होता है, अगेन 2 factorial, तो 2 factorial यदि नहीं पता है तो कैलसीफेड आप निकाल सकते हो, 2 factorial की वैल्यू आती है अगेन 2, तो 2 into 2 आएगा वैल्यू 4। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल लॉजिक, सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। अब सेकेंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। एक बात, जब मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो रफ चीज है, ये रफ है, या यहाँ जो बताया, हाँ ये जो आप जहाँ जहाँ मैं आपको कैसे आ गया ये बताता हूँ, वो स्टेप्स में नहीं आएगा, ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल अभी लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल इज इवैल्यूएट 0 to infinity एक्स की फोर्थ पावर, एक्स का फोर्थ रूट, सॉरी फोर्थ रूट इंटू ई टू द पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स। देखो वाई में प्रॉब्लम था, अभी एक्स में दिया है प्रॉब्लम, तो ये आपका कंफर्ट चाहिए, डरना नहीं, एक्स की जगह वाई दिया है, टी दिया है, जो कुछ भी है, डेफिनेशन क्लियर है, अप्लाई कर सकते हैं। अगेन लॉजिक इज सेम, हमें ई टू द पावर माइनस टी के फॉर्म में बनाना है, रूट एक्स दिया है नहीं चलेगा, रूट एक्स की जगह टी पुट करना ही पड़ेगा, तभी ई टू द पावर माइनस टी या ई टू द पावर माइनस एक्स के फॉर्म में बन जाएगा। तो पुट करना है रूट एक्स इज इक्वल टू टी, अगेन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt आएगा, सिंपल डेरिवेटिव। ऊपर जो प्रॉब्लम में क्या है, सेम है। लिमिट्स किसके थे अभी, लिमिट्स थे एक्स के लिए, बनेंगे टी के लिए, क्योंकि ये जो लिमिट्स है वो एक्स के है, हम टी में ट्रांसफॉर्म कर रहे प्रॉब्लम को, तो लिमिट्स भी टी के चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 0 infinity, एक्स यदि 0 पुट किया तो टी आएगा 0, एक्स इन्फिनिटी पुट किया तो टी आएगा इन्फिनिटी। यहाँ पुट करना, इधर ऐसे उठाना, इधर डालने का, तो बताया लास्ट प्रॉब्लम में सेम ही है। तो ये जो इंटीग्रल है 0 to infinity फोर्थ रूट ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स, ये बनेगा लिमिट सेम, अब एक्स का फोर्थ रूट यानी एक्स टू द पावर 1/4 है, एक्स की जगह क्या है टी स्क्वेयर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वेयर टू द पावर 1/4 एंड ई टू द पावर रूट एक्स की जगह टी एंड डी एक्स की जगह 2t dt। वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने। अब इसको ही मैं लिख सकता हूं 0 to infinity, अब ये टी टू द पावर हमें पता है टी टू द पावर एम इंटू टी टू द पावर एम टू द पावर एन इज नथिंग बट टी टू द पावर एम एन, यानी ये बनेगा टी टू द पावर 1/2, राइट। टू कॉन्स्टेंट बाहर लिया, ए इंटू टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी टी, ये टी बस मैंने इधर लिखा है एंड टू कॉन्स्टेंट था वो बाहर लिया। अब टी टू द पावर हमें पता है टी टू द पावर एम इंटू टी टू द पावर एन इज इक्वल टू टी टू द पावर एम प्लस एन, सिंपल रूल्स ऑफ इंडाइसिस,
इस हिसाब से टी टू द पावर 1/2 इंटू टी टू द पावर 1 ये बनेगा टी टू द पावर 3/2, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 0 टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इसको ही मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी, अब इसको एन माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है, 3/2 यानी 5/2 माइनस 1। अब ये देखो, यदि आपको नहीं आता है तो 3/2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 लिखो, 1 इधर लेके जाओ तो 3/2 प्लस 1 करो तो n की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसको आप लिख सकते हो t टू द पावर 5/2 माइनस 1 e टू द पावर माइनस t dt, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू गामा ऑफ 5/2, 2 इंटू गामा ऑफ 5/2। अब गामा ऑफ 5/2 तो हमने निकाला है, क्या था वो, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 3/2 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2, 2 2 कट गया, ये बचेगा 3 इंटू गामा ऑफ 3/2। तो गामा ऑफ 3/2 अगेन मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1, तो अगेन 1/2 बाहर, यानी गामा ऑफ 1/2, तो गामा ऑफ 1/2 रूट पाए और दिस इज नथिंग 3/2 रूट पाए। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, बहुत सिंपल था। अब प्रॉब्लम आपको सिंपल लगेगा यदि आप नोट कर रहे हो, प्रॉब्लम को समझ रहे हो, मैं जो स्टेप बता रहा हूं आप उसको सुन रहे हो, फिर भी आपको यदि कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करो, सर स्लो ले लो, फास्ट ले लो, जो कुछ भी आपको लगता है। छोटी छोटी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, फिर भी आपको यदि कोई भी समस्या लग रही है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगेन, ये जो दो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट एग्जांपल इज 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 7 ई टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर dx, ये है। अब लास्ट प्रॉब्लम में जैसे देखा था रूट एक्स आ रहा था इधर ना, अभी ये आया 2x स्क्वायर, तो ये जो 2x स्क्वायर है इसकी जगह हमें पुट करना पड़ेगा गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू, पहले डेफिनेशन रिवाइज करते हैं, e टू द पावर माइनस t t टू द पावर n माइनस 1 dt। अब जैसे हमें ये इस फॉर्म में चाहिए, यानी e टू द पावर माइनस t के फॉर्म में चाहिए, लेकिन ये है 2x स्क्वायर, तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें t, क्योंकि हमें वो दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, e टू द पावर माइनस टी के फॉर्म में वो दिखना चाहिए। तो कब दिखेगा, जब मैं 2x स्क्वायर की जगह टी पुट कर दूंगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जस्ट वन मिनट, हाँ तो अभी 2x स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करना है टी हमें, तो इसका ही मतलब है 2x स्क्वायर की जगह टी, इसका मतलब होता है x स्क्वायर इज t by 2, सिंपल। या आप इसको, हाँ और इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू रूट टी by 2, ठीक है। x का यूज नहीं होगा हमें ज्यादा, देखते हैं आगे। इस प्रॉब्लम का स्पेशलाइजेशन, इसको ना थोड़ा सॉल्व करने के पहले मैं ना प्रॉब्लम को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हम अभी किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। देखो, x स्क्वायर को यदि आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt by 2। इसको मैं लिख सकता हूं x dx इज इक्वल टू dt by 4। अब ना देखो, यदि ये x टू द पावर 6 ही होता तो हमें ना ये इस चीज को यूज करना मुश्किल हो जाता, लेकिन अभी देखो ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको मैं थोड़ा ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 7 ई टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर dx, ये क्या है, देखो इसको ऑब्जर्व करो, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर dx, यानी एक्स टू द पावर 6 को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, जो x dx की वैल्यू है ये, वो सीधा हम इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एंड x टू द पावर 6 जो है उसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर की पावर 3, जो x स्क्वायर इधर पुट हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास, एंड लिमिट्स चेंज कर लेंगे। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, तो सीधा अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। हम कहां तक आए थे, यस 2x dx की वैल्यू निकाली हमने, x dx की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब लिमिट्स चेंज करने पड़ेंगे,
एक्स एंड टी, एक्स की जगह जीरो पुट किया, टी आएगा जीरो, एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट किया, टी आएगा इन्फिनिटी, कुछ चेंज नहीं होगा लिमिट्स में। तो इसका ही मतलब है ये जो था जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर सेवन ई टू द पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज नथिंग बट जीरो टू इन्फिनिटी, अगेन इसको मैं लिखता हूँ एक्स टू द पावर सिक्स इंटू ई टू द पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। हमारे लिए किया मैंने ये, सिंपल हो जाए तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर सिक्स यानी एक्स स्क्वायर की पावर थ्री ई टू द पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। इसका ही मतलब है जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, टी बाय टू उसका क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर है ना, टू एक्स स्क्वायर की जगह टी तो यह आएगा ई टू द पावर माइनस टी, एक्स डी एक्स की जगह है डी टी बाय फोर, बस और कुछ नहीं है प्रॉब्लम में, वेरी सिंपल। अभी तो सॉर्ट हो जाएगा, हमारे गामा फंक्शन जैसे दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज नथिंग बट जीरो टू इन्फिनिटी वन बाय फोर बाहर, ये आएगा टी की पावर थ्री टू का क्यूब एट आएगा e टू द पावर माइनस टी डी टी। अभी एट बाहर ले लो तो ये आएगा वन अपॉन फोर इंटू एट यानी 32 आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर फोर माइनस वन डी टी, इस थ्री को मैंने लिखा है फोर माइनस वन। अब ये क्या हो जाएगा, एट इंटू फोर 32 एंड दिस इज नथिंग बट ये क्या है गामा ऑफ फोर, क्योंकि क्या डेफिनेशन रही थी हमारी गामा ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन माइनस वन डी टी, एन कंपेयर करो फोर तो ये आएगा गामा ऑफ फोर। गामा ऑफ फोर यानी कितना, थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल अपॉन 32, थ्री फैक्टोरियल मीन्स कितना, सिक्स, सिक्स बाय 32। थ्री फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, वन इंटू टू इंटू थ्री क्या आता है सिक्स, इसको टू से डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आएगा थ्री बाय 16, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अब सेम टू सेम एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताता हूँ, अब खुद सॉल्व करो, सेम टू सेम है बस वैल्यू थोड़ी चेंज है, दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने सॉल्व किया है वो भी और अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो भी, तो बस आप इवेल्युएट करो घर पे उसको। इवेल्युएट जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर नाइन ई टू द पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर आता है 3/8। इवेल्युएट करो इसको, सेम प्रॉब्लम है, सेम सब्स्टिट्यूशन है, बस एक्स टू द पावर सेवन की जगह यहाँ एक्स टू द पावर नाइन है। प्लीज इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस के लिए, आपको भी समझ में आएगा आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट जीरो टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, थोड़ा हटके प्रॉब्लम दिख रहा है, अभी तक तो प्रॉब्लम दिख रहे थे, ये तो दिख रहा था कहा ठीक है एक्स टू द पावर समथिंग दिख रहा था, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन डरना नहीं, हमारा जो फंडामेंटल रूल है उसको छोड़ने का नहीं। फंडामेंटल रूल क्या हमारा कि इसको ई टू द पावर माइनस टी में लाओ, जब ये ऐसा दिखेगा गामा ऑफ एन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन माइनस वन डी टी, ऐसा दिखेगा e टू द पावर माइनस टी, यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब यह सब्स्टिट्यूशन यदि नहीं समझ में आ रही, नहीं जज हो रही है, तो सीधा पुट करने का, सीधा क्या पुट कर देने का, पुट ए टू द पावर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी, अरे सीधा सब पुट कर दिया मैंने भी। अब टी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं हम इंटीग्रल को, तो डी एक्स की जगह भी वैल्यू चाहिए, लिमिट्स भी टी के चाहिए, ठीक है। अब मैं दोनों साइड का लॉग लेता हूँ, लॉग लिया तो ए बन जाएगा फोर एक्स स्क्वायर लॉग ए इज इक्वल टू माइनस टी लॉग ई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये बनेगा फोर एक्स स्क्वायर लॉग ए इज इक्वल टू टी एंड लॉग ई की वैल्यू होती है वन, ठीक है, यह नेचुरल लॉगरिथम है।
यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन फोर लॉग ए, कुछ नहीं किया बस ये फोर एंड लॉग ए जो मल्टीप्लीकेशन में थे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जब में जाके डिवाइड हो गए, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब हमें ना एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें डीएक्स चाहिए क्योंकि अभी ये तो ये पूरा पुट हो गया है, हमें बस डीएक्स निकालना है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ एक्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो ये बनेगा रूट टी और इधर का स्क्वायर रूट ऑफ फोर लॉग ए। अब डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड को तो ये आएगा डीएक्स इज इक्वल टू रूट टी का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट टी, रूट टी का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट टी एंड दिस स्क्वायर रूट ऑफ फोर लॉग ए एज इट इज टी का डिफरेंशियल डी टी। तो डीएक्स भी मिल गया हमें, इसको ही मैं लिख सकता हूं डी टी अपॉन यहां से स्क्वायर रूट ऑफ फोर बाहर आएगा तो ये टू इंटू टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू और ये बाहर का टू हो गया फोर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ए एज इट इज। अब ये वन अपॉन रूट टी है, इसको मैं लिख सकता हूं टी टू द पावर माइनस वन बाई टू क्योंकि स्क्वायर रूट यानी टी टू द पावर वन बाय टू डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो बनेगा टी टू द पावर माइनस वन बाय टू। तो इधर मैं लिख सकता हूँ इसको टी टू द पावर माइनस वन बाय टू। तो हमारा इंटीग्रल का जो लिमिट्स है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट्स होगा एक्स टी, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, पुट किया टी की वैल्यू आएगी कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो आसानी, एक्स जीरो पुट किया ऑब्वियसली टी जीरो, एक्स इन्फिनिटी पुट करो टी आएगा इन्फिनिटी, मुश्किल नहीं है सिंपल है। तो ये लिमिट क्या होगा, इंटीग्रल क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बनेगा जीरो टू इन्फिनिटी, लिमिट्स में तो कोई बदलाव नहीं, ये तो वैल्यू हमने पूरी की पूरी डाल दी ए टू द पावर माइनस टी, ये सब्स्टिट्यूट करें ना। एंड डी एक्स की जगह जो है वो डी एक्स की जगह है टी टू द पावर माइनस वन बाई टी डी टी अपॉन फोर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ए। अब ये स्क्वायर फोर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो इंटीग्रल के, तो ये बनेगा वन अपॉन फोर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ए जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर वन बाई टू माइनस वन डी टी। अब जो मैंने किया है उसको समझो, ये माइनस वन बाय टू है, इसको मैंने लिखा वन बाय टू माइनस वन, इसको मैंने लिखा वन बाई टू माइनस वन, क्यों लिखा, हमारे डेफिनेशन में क्या है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन माइनस वन डी टी, इसीलिए मैंने वन बाई टू माइनस वन लिखा है क्योंकि हमें एन चाहिए क्योंकि ये गामा ऑफ एन होता है, ये एन यानी गामा ऑफ एन यानी ये एन यूज होगा हमें, ठीक है। अब ये माइनस वन बाई टू है, इसको कैसे लिखे ऐसे फॉर्म में, तो माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू एन माइनस वन करो, वन इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस वन बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू आएगी वन बाई टू, तो आप वन बाई टू माइनस वन लिख सकते हो। यदि नहीं पता है तो दिस इज सिंपल अलजेब्रा एक्चुअली, तो दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ वन बाई टू एंड गामा ऑफ वन बाई टू इज रूट पाई, तो ये क्या होगा फाइनल आंसर वन अपॉन फोर स्क्वेयर रूट ऑफ लॉग ए इंटू रूट पाई, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में हमने आई थिंक फोर या फाइव प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जितने भी किए हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है या कोई स्टेप्स क्लियर नहीं हो रही है या आपको लगता है सर फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन कीजिए। ये मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए, वीडियोस अच्छे बनाने के लिए ये बहुत, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, यदि कमेंट सेक्शन में नहीं पोस्ट हो रहा है डाउट तो आप इंस्टाग्राम लिंक है उधर डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, आपके अटेंशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम गामा फंक्शन के और 5-6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।